राज्य के लोग उपस्थित में मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह जी और इस सभागार में बैठे हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जहाँ तक देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस की बात है, ये आप लोग भी इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और बहुत हमारे विशिष्ट अतिथि लोगों ने भी इसके बारे में बहुत सी बातें बताई। हम आप लोग को वो चीज़ बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर आपका मानवाधिकार जो आपको अधिकार मिला हो अगर इसको टूटता है, हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैं लॉ का टीचर हूँ तो मैं उसी बात को बताना चाहता हूँ जो आपको डायरेक्ट उपचार दे सकता है। तो जो विश्व मानव अधिकार दिवस है ये हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर 1948 से लगातार, क्योंकि इसके पहले विश्व को दो बड़े बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा था जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, जिसमें जन की धन की बहुत हानि हुई। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय विश्व के प्रमुख राष्ट्रों ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को एक ऐसा संगठन बनाना है ताकि आगे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 26 जून को सैन फ्रांसिस्को में 50 देश इकट्ठा हुए और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम दिया गया बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ। और उसी 50 देश में एक देश और जुड़ गया जिसका नाम था पोलैंड। 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 इसके प्रमुख अंग हैं और जो इसका पहला अंग है जिसको हम लोग कहते हैं इसको जनरल असेंबली महासभा, इसी ने 10 दिसंबर 1948 को ये निर्णय लिया कि विश्व में रहने वाले जितने लोग हैं अब उनका न जन की न धन की हानि होगी और इस दिन को निर्णय लिया गया कि विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी समय हम लोग का संविधान बन रहा था, हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है उसके बातों को हम लोगों को पहली बार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। और इसके बाद जब हमारी सरकार सक्षम हो गई तो सरकार ने 1993 में हम लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जो 3 ग्रुपों में काम करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो नई दिल्ली में स्थित है, प्रत्येक राज्य में प्रदेश मानवाधिकार है और जिला स्तर पर ह्यूमन राइट्स की कोर्ट है। अगर हम लोगों में से किसी के भी मानव अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति निःशुल्क रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, राज्य मानवाधिकार आयोग में या जो हमारे जिला में ATJ फर्स्ट होते हैं उनको स्टेटस दिया गया है कि आप नोडल ऑफिसर होंगे और नोडल ऑफिसर के रूप में आपके सामने जो भी कंप्लेंट आएगी उसको आप सुनेंगे और उसको निर्णय देंगे और ये कंप्लेंट निःशुल्क दी जाती है बिना अधिवक्ता के, कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं। इसके लिए आप लोग बहुत छोटा सा सस्ते में मिलता है जिसको कहते हैं पेयर एक्ट, ये 20-25 रुपए में मिल जाता है। आप लोग इसको बाजार से खरीद के खुद ही पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या अधिकार हम लोग को दिए गए हैं। इससे ये होगा कि देखिए दैनिक जीवन में हम लोगों के बहुत से मौलिक अधिकार मानवीय अधिकार टूटते हैं। तो आपको न किसी के पास जाना, न पुलिस प्रशासन के पास जाने की जरूरत है, न हमको किसी मंत्री नेता जी के पास जाने की जरूरत है। आपको खुद ही सरकार ने अधिकार दिया है कि आप अपने नोडल ऑफिसर को सीधे सूचित कर सकते हैं और वहां से आपको जो भी उपचार मिलेगा उसको लागू कराया जाएगा, क्योंकि उनको न्यायालय का दर्जा मिला हुआ है और उनके द्वारा अगर कोई निर्णय नहीं मानता है तो उसको न्यायालय के अवमानना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने का भी प्रावधान उसी अधिनियम में दिया गया। और आप अगर जानना चाहते हैं कि मानवाधिकार आयोग का नंबर क्या है, उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, तो ये आपको नेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम आप लोग को वो उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, हमारा नंबर आप लोग ले सकते हैं। आज मैं 15 साल से मानव अधिकार से जुड़ा हुआ हूँ, अरविंद जी हमारे बहुत ही पुराने परम मित्र हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि मात्र 6-7-8 महीने के भीतर एक बड़ा सा संगठन खड़ा कर दिया। और आज ये संगठन आप देखिए हर क्षेत्र में काम कर रहा है और हम तन मन से पूरे
मानव अधिकार में लगे रहते हैं। तो आप लोग ये जानने की कोशिश करिए कि जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं, तो कभी भी मानव अधिकार का हनन हो तो आप उसका उपचार जरूर लें। अब वो समय नहीं रह गया कि मानव के द्वारा मानव का शोषण किया जाएगा, ये आदि काल में होता था, आज के समय में नहीं हो सकता। इसी बातों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते, धन्यवाद।